हाथ छोड़ दो बस अब सब। डॉक्टर, डॉक्टर जाहिद को बुलाइए। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहान को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहान को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपनी घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहान का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माँ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपनी घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया। हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। खीली हो चुकी है, कहीं शाहजहान उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहान तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहान तय अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूँगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तय बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी की मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि रूमी वहीं पर गिरकर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहान तय बहुत ज्यादा होश रहे हैं क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। हंसते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है जहाँ पर समीन के अम्मी और अबू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि कहते है कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तय बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है। यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहान तय रो पड़ती है कि इस बार शाहजहान तय को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, जो कुछ भी हो गए तो शाहजहान तय की वजह से। अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारी के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहान का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की ये हालत देखकर शाहजहान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा जब हमजा आएगा। उसके बाद शाहजहान तय सभी लोगों से माफी मांगेगी। हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहान को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहान को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपनी घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है, क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहां का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे, क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माओ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपनी घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया, हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है, यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, खीली हो चुकी है कहीं शाहजहां उससे अपना बच्चा छीन ही न ले, लेकिन शाहजहां तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि शाहजहां तई अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहते है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूंगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां तई बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते है कि रूमी वही पर गिर कर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहां तई बहुत ज्यादा खुश रहे है, क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। अंशते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है, जहां पर समीन के अम्मी और अबू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत, मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां तई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है, यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहां तई रो पड़ती है कि इस बार शाहजहां तई को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, जो कुछ भी हो गए तो शाहजहां तई की वजह से, अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ, मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारी के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहां का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की ये हालत देखकर शाहजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा जब हमजा आएगा। उसके बाद शाहजहां तई सभी लोगों से माफी मांगेगी। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहां को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया, क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहां को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपनी घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है, क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहां का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे, क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माओ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते है। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपनी घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया, हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कीली हो चुकी है, कहीं शाहजहान उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहान तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहान तय अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूँगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तय बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते है कि रूमी वही पर गिर कर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहान तय बहुत ज्यादा होश रहे है क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। अंसते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है जहाँ पर समीन के अम्मी और अबू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तय बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है, यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहान तय रो पड़ती है कि इस बार शाहजहान तय को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, जो कुछ भी हो गए तो शाहजहान तय की वजह से, अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारी के सारी हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहान का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की ये हालत देखकर शाहजहान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। जब हमजा आएगा शाहजहान सभी लोगों से माफी मांगेगी। हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहान को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहान को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपने घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहान का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माँ के फरमानबरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते है। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपने घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते है कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया। हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कीली हो चुकी है, कहीं शाहजहान उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहान तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहान तय अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूंगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तय बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते है कि रूमी वही पर गिर कर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहान तय बहुत ज्यादा होश रहे है क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही।
अंशते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है, जहाँ पर समीन के अम्मी और अब्बू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां ताई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है। वो ज्यादा गुस्से में कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है। यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहां ताई रो पड़ती है कि इस बार शाहजहां ताई को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, जो कुछ भी हो गए तो शाहजहां ताई की वजह से। अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ, मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारे के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहां का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की ये हालत देखकर शाहजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा जब हमजा आएगा। उसके बाद शाहजहां तय सभी लोगों से माफी मांगेगी। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहां को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहां को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपनी घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहां का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माँ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते है। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपने घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया। हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कीली हो चुकी है, कहीं शाहजहां उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहां ताई भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहां ताई अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहते है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूंगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां ताई बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी की मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि रूमी वहीं पर गिरकर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहां ताई बहुत ज्यादा होश रहे हैं क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। अंशते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है, जहाँ पर समीन के अम्मी और अब्बू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां ताई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है। वो ज्यादा गुस्से में कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है। यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहां ताई रो पड़ती है
कि इस बार शाहजहां तक को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, कुछ भी हो गए तो शाहजहां तई की वजह से अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ, मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारे के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहां का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की यह हालत देखकर शाहजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा जब हमजा आएगा। इसके बाद शाहजहां तय सभी लोगों से माफी मांगेगी। मेरे हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहां को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहां को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्म में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपनी घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहां का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माँ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते है। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपने घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया। हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कीली हो चुकी है, कहीं शाहजहां उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहां तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहां तय अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहते कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूँगी और आपको मैं उन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां तय बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते है कि रूमी वहीं पर गिर कर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहां तय बहुत ज्यादा खुश रहे है क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। हंसते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है जहाँ पर समीन की अम्मी और अब्बू भी मौजूद होती है। यही पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहां तय बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है। यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहां तय रो पड़ती है कि इस बार शाहजहां तय को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, कुछ भी हो गए तो शाहजहां तय की वजह से अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ, मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारे के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहां का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी की यह हालत देखकर शाहजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा जब हमजा आएगा। इसके बाद शाहजहां तय सभी लोगों से माफी मांगेगी।
ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमजा का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच ही जाता है। उधर शाहजहान को नाकामियों का सामना करना पड़ ही गया क्योंकि इस बार समीन भी शाहजहान को नहीं छोड़ने वाली। आने वाले किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर में अकेला है तो वो फैसला कर लेता है कि वो इस बार वो अपने घर में वापस लेकर आएगा। जैसे वो घर में पहुंचा है तो उसका सामना नफीस साहब से होता है क्योंकि नफीस साहब भी उस दफा शाहजहान का बुरा अंजाम कर देंगे और हमजा को भी अच्छी हंसी सुना देंगे क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी हाला के साथ ठीक नहीं कर रही। और नफीस साहब कहते हैं कि माँ के फरमान बरदार बेटे अपनी ही औलाद माओ के साथ ना सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं। और आगे से हमजा कहते हैं कि किसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हाला को इसी वक्त अपने घर लेकर जाऊंगा। आगे से हाला रो पड़ती है और कहते हैं कि आपके मामा मुझे कभी भी होश नहीं देख सकते और उन्होंने मेरे और आपके दरमियान रहने का क्या ही दिया। हमजा वो मुझसे छीन लेगी मेरा बच्चा। ये बात सुनने के बाद हमजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी माँ इस तरह की सोच रखती है। उधर हमजा तो चले जाते हैं, उधर हाला भी बहुत ज्यादा परेशान बैठी है। यहाँ पर रहकर वो क्या हासिल कर रही है। यहीं पर हमजा उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद हाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कीली हो चुकी है, कहीं शाहजहान उससे अपना बच्चा छीन ही न ले। लेकिन शाहजहान तय भी नाकाम रहेगी। उधर रूमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शाहजहान तई अपने दोस्त राबिया के बेटे रमीज के साथ उसकी मंगनी करने जा रही है और उन दोनों की शादी बहुत जल्द करवा देंगे। और यही पर रूमी कहते है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं उससे मंगनी नहीं करूँगी और आपको मैं इन मौके पर मना करके दिखाऊंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तई बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर रूमी के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारते है कि रूमी वहीं पर गिर कर रो पड़ती है। दूसरी जानिब शाहजहान तई बहुत ज्यादा होश रहे है क्योंकि आजकल हमजा को परेशान देखकर उसे एहसास हो रहा है कि वाकई आजकल हाला उसके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। अंशते मुस्कुराते हुए समीन की कमरे में आ जाती है जहां पर समीन की अम्मी और अबू भी मौजूद होती है। यहीं पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे समीन का हाथ अपने बेटे हमजा के लिए मांगती हूँ। ये बात सुनने के बाद समीन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि ये आपके तसल्लत पसंद पितरत है कि नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई है और आप ये कभी सोचिएगी भी मत। मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी, मैं हुरम के साथ ही शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद शाहजहान तई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। दूसरी जानिब हमजा परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो ज्यादा गुस्से में है कि उसकी माँ इस तरह है, उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे जा रहा होता है तो आगे से उसका टकराव दूसरी गाड़ी से हो जाता है। यही पर तो हमजा का एक्सीडेंट हो ही जाता है। सभी घर वालों को तो इस बात का पता चलती है तो शाहजहान तई रो पड़ती है कि इस बार शाहजहान तई को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। दूसरी जानिब हमजा के चले जाने के बाद मरियम हाला को समझा रही है कि तुम हमजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, जो कुछ भी हो गए तो शाहजहान तई की वजह से, अपनी और हमजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना पैदा करो। सी भी दखल कर गई हूँ मगर पूरी दुनिया भी मिल जाए ना तो क्या हासिल होता है। हाला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर रूमी बहुत जल्द सारी के सारे हकीकत वकास की भी तो बताएगी तो कि वो वकास खान के साथ शादी करना चाहता है और उसी के साथ निकाह भी करेंगी। आने वाले वक्त में शाहजहान का अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। आज अपनी बेटी